भाई फिर आपने लिखा था कल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या लिखा था भाई आपने? नंबर ऑफ जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और उन्हीं ऑर्बिटल को आप लोग क्या बोलते थे भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताओ यदि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करते थे? एन से क्या? अब यदि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो यहां पे दोस्त कितनी मिल जाए, दो। आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिल जाए भाई? दो। आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? सही बोल रहे ना आप लोग, किसी के दबाव में नहीं जाए। मान लो भैया अगर ये वैल्यू आपको 3 मिल जाए तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये 4 मिल जाए तो, अगर ये 5 मिल जाए तो sp4, और अगर 6 मिल जाए तो sp3, और अगर आपको ये 7 मिल जाए तो sp3। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? बोलिए भाई, आपको जब पीछे कोई ऑब्जेक्शन? ये कल इतना तो आप पढ़ाए ही थे कल, क्यों भाई? जैसे डायरेक्शन जानते हो, डायरेक्शन या एन बराबर कितना है, कितनी डायरेक्शन होगी इसमें? दो डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ये सेंटर है क्या भाई? एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन यही सेंटर, यहां पे एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन यही सेंटर, यहां पे एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन, सब दो डायरेक्शन है ना। तो आपने शायद सुना था कि अगर एन बराबर 2 है मींस कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई आपके? अब इन दो को इसमें से कैसे अरेंज कीजिएगा कि रिपल्सन कम से कम हो? बोलिए भाई, ऐसे अरेंज करेंगे क्या? रिपल्सन कम होगा। यानी अगर आप देखो एन बराबर दोस्त हाइब्रिडाइजेशन, बताओ भाई यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? क्या अगर 180 है तो लीनियर बोल सकते क्या? बोलिए भाई, लीनियर बोल सकते क्या आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। ये अगर फिर से बताओ, फिर से देख लो आप, एन बराबर कितने हैं भैया? 3। तो ऐसे 3 को अरेंज करो, कौन इसमें सबसे अच्छा लग रहा है? कहाँ प्रिपल्सन सब कुछ इक्वल लग रहा है भाई? पॉसिबिलिटी बहुत सी है ना 3 स्टेप, तो कौन लग रहा है जहाँ रिपल्सन कम से कम हो थोड़ा ठीक लग रहा है? यानी अगर यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो कैसा बनेगा भाई? इसको ट्राइगोनल बोलते हैं। देखिए यहाँ पंखा लगा हुआ है, तीनों पत्ते एक ही प्लेन में है, क्या हो भाई आप? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर, यानी तीनों पत्तियां। अभी मत बोलिएगा सर कि इसको अगर हम बेंट करके यहां बना दे तो फिर चेयर बन जाएगा, ये बैठने लगा पीछे सपोर्ट के लिए चेयर नहीं बन गया। अरे एक पत्ती को बेंट करके सीधा कर दीजिए भाई, बैठेगा क्या, उसे फील करेगा ठीक है? तो उस समय आप करीब जो रिपल्सन से वो फिर डिफरेंस हो जाएगा ना फिर। और ऐसे तो देखिए सब तरह से इक्वल है, एंगल सब इक्वल है ना। अच्छा अब देखो भाई यहां पे एंगल कितना बताया था आप लोग? ये कितना हो जाएगा? 120। ये कैसा आपका ट्राइगोनल प्लैनर? एक पेन दे देना यार, फिर अभी ले लीजिएगा ठीक है, हम घर लेके नहीं जाएंगे। यदि एन बराबर 4 है दोस्त, क्या है 4? ये देखिए अगर 4 है तो सीधे हो जाए भैया, चलिए ठीक है मान लीजिए। जैसे चलिए कुछ ठीक है, एकदम सही, परफेक्ट। देखिए ऐसे अब आप उधर से जब देखिएगा भैया
तो तीन आप एक प्लेन में लगेगा, लेकिन एक आपके तरफ है ना, और ये आपका लीनियर है कि ट्राइगोनल प्लैनर है या क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा। लेकिन जब दो बोर्ड पे बनाते हैं, हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं तो इसको थोड़ा पिट दिया जाता है, इसे पिट के सीधा कर दिया जाता है, मारपीट के क्या कर दीजिए इसको, सीधा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा भैया, जब चार को बनाइएगा तो फोर्थ के लिए बनाएगा, तीन तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब देखिए वो आपका प्लेन से बाहर है, प्लेन से, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हम उसको ऐसे दिखा सकते। अब यहाँ पे एंगल कितना आएगा, एक सौ, इसको क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा। कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को, ये क्या भाई आपका एन बराबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ये होगा ना दोस्त। sp3d के केस में क्या होता है कि तीन आप कैसे एक प्लेन में आते हैं, तीन कैसे आएंगे भाई, मान लीजिए आपका केक रखा हुआ बर्थडे वाला, थोड़ा ही भाई केक तो हम बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर भी टाइम मिलेगा तो आप लोग खाली जगह जा करके, नहीं देखें बर्थडे केक बना रहता है और आप लोग उस पर कैंडल लगाते हैं, कोई 20 साल का था 20 लगाएगा, 100 साल का था 100 लगाता, भले से उसमें जगह ना बचे, देखा भाई 10 साल के बच्चे आगे 10 लगाते हैं, दो या थोड़ा कैंडल दो, पेन दो भाई। तो देखिए दोस्त, जैसे पहले लगाइएगा तो ऐसे लगाइएगा, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्राइगोनल, बोलिए बोलिए। और जिसका बर्थडे होता है ध्यान से देखिएगा, वो भाई साहब इस तरह का कैप लगाते हैं, इसको पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये ट्राइगोनल हो गया आपका, ये तीन, और ये अगर ऊपर है तो एक, ऊपर है तो एक पिरामिड, तो ऐसे को हचपच कर दीजिए। अब क्या बोलेंगे भाई, पिरामिडल, देखिए फिर से गुस्सा मत होइए, एक दो तीन चार, अगर एन बराबर पांच है तब क्या बोलेंगे भाई इसको, ट्राइगोनल। तो जब यहां देखिए बोर्ड बनाया जाएगा, तीन तो ऐसे बना देंगे भाई, अब इसका मतलब भैया ये है, जो तीन बनाने का मीनिंग सच ये है कि ये आपके देखिए ऐसे है, मतलब जो तीनों पास है वो, देखिए बोर्ड पे भैया हम ऐसे नहीं बना सकते ना, इस तरह से बोर्ड पे आप इसी को ऐसे बनाया गया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड आपका 2D में है। एक जो बताएंगे भाई, जब बर्थडे बनाइएगा तो उसको ऐसे लगाएंगे इधर से ऐसे कैंडल, तो यहां पे तो हम इस पे बाहर निकाल नहीं सकते, बोलिए भाई। कल हमने कहा था ना आपसे कि हम लोग साउथ वाले तो है नहीं, क्योंकि अगर फिंगर भी अगर कोशिश करेंगे तो दीवार लेके चले जाते हैं, अगर हाथ यूज करते हैं तो पूरा फॉर्मूला वगैरह भी साथ में चला जाता है। तो यहां पे जो एक बनाएगा दोस्त वो ऐसे हो जाएगा। अब ये कर मिला दीजिए भाई, ये देखिए अगर आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये पिरामिड बन गया भाई, और एक आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए इधर एक बन जाएगा, इसको बोलते हैं भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहां जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 120 भी मिलेगा, और कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सियल, नहीं इक्विटोरियल, इसको क्या बोलते हैं भाई, इक्विटोरियल, और इसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल। याद रखिएगा जो एक्सियल होता है वो बड़ा होता है किससे, इक्विटोरियल से। अब क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन अलग है अभी, ठीक। हाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन से है सब इक्वल होना चाहिए ना, क्यों भाई साहब, लेकिन यहां वो सब मामला फेल हो जाता है। देखिए एक्सियल बड़ा जबकि इक्विटोरियल लेंथ अलग अलग ना हो गया, उस तरह से तो इक्वल ना होना चाहिए, जैसे मीथेन में इक्वल हो गया था, लेकिन यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका फेल हो जाता है। और देखिए यहां पे तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ट्राइगोनल
बाय पिरामिड। अगर n बराबर 6 है तब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? तो अच्छा ये जो टेबल है देखिए जो ये है इसको क्या बोलते हैं आप? ये जो लगा हुआ है सिर्फ रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? नहीं नहीं पूरे को नहीं बस इसको ये जो ऊपर की ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल बोल इसकी लंबाई चौड़ाई दिया जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा आयत, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि देखिए सब लाइन इक्वल है चारों साइड इक्वल है ना क्या हो जाएगा ये और बीच में से इसको फिर वही कैंडल लगा दीजिए तो स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर। तो यहां जब आप बनाएंगे ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका अभी यहां तो थीटा मिलेगा कितना मिलेगा आपको इसको क्या बोलते हैं भाई स्क्वायर बाय पिरामिडल या बड़ा अच्छा नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ इसको बोलना बस ये जो है ये इसको क्या बोलेंगे सिर्फ इसको बोलना हो तो स्क्वायर क्या बोलेंगे दोस्त? तो जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा तो जब ये आपका एन बराबर चार आएगा तो दो कंडीशन होगा एक टेट्राहेड्रल एक स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल और वो वहां देखा जाएगा क्या होता है बस नाम तो सुने रहिए चलिए इतना पहले बना लीजिए आप। अच्छा एक बार फिर से देखिए आपने कहा शायद ये लीनियर हो गया प्लानर हो गया ठीक बना लीजिए इतना। अब लिखिएगा रूल नंबर सर टू बताते ना हाइब्रिडाइजेशंस का वन बता दिया था हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हैलोजन। रूल नंबर टू लिखिएगा एन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। टू लिखिएगा एन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है ना ठीक। अब बताओ भाई जो अभी आप लोग कुछ एग्जांपल लिखा था ना कल आप लोग कुछ एग्जांपल अपने मन से बोलिए जैसे एसिड बेस जैसे आप एक पूछ रहे थे वैसे बहुत से एग्जांपल बनाइए आप लोग मैं तो चार लिख भी दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए CH4 CO2 BCl3 XeF2 बोलिए भाई SO3 PCl5 SF6 CO3 -2 या फिर लिख दीजिए H2CO3 या फिर H2SO4 या फिर SO4 -2 और बोलिए भैया तीन चार एग्जाम्पल बड़े फेमस होते हैं H3PO4 H3PO3 H3PO2 और बोलिए भाई अपने मन से बोलिए ना आप लोग PF3 चलिए हो गया वो H2O NH3 I3 प्लस I3 माइनस CH3 प्लस CH3 माइनस NO2 लीजिए NO2 NO3 माइनस बोलिए NO2 माइनस होता है सर HNO2 होता है ना भाई नाइट्रो नाइट्रेट और बोलिए भैया आप बोलिए भाई कुछ एग्जांपल अपने मन से पहले वही बोलिएगा जो नहीं लिखा रहेगा ठीक है और बताइए SF4 SF6 H2O2 इस पे नहीं आएगा और बोलिए भाई चलिए इतना पहले सीखते हैं ना जो आपने रूल नंबर टू लिखा उसमें और जो अभी आपने जो नहीं बनाया अभी वो डायग्राम उसमें थोड़ा देखो भाई क्या डिफरेंस है
दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए। ठीक है अच्छा पहले हमें बस आप लोग ये बता सकते हैं कि CH4 में जो आपने पहले कल फॉर्मूला लिखा था, पहला फॉर्मूला आपने लिखा था भाई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हैलोजन डिवाइड बाई, लिखा था भैया आप लोगों ने कि सर हम इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे। ए भाई कुछ जगह कहाँ छाप रहे हैं आप? अब बताओ दोस्त इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार, और कितने हाइड्रोजन है भाई? चार प्लस आठ बटा दो, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, जब भी sp3 आएगा तो जब उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए दोस्त, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पहले ध्यान सुनिए, पहले ये चार के लिए हो गया टेट्राहेड्रल इस तरह से स्ट्रक्चर, नहीं दिख रहा आपको यहां पर, इधर दिख रहा है, यहां से नहीं दिखेगा, सीट चेंज कर लेते, दिख रहा है यहां पे? चलिए ठीक है तब भाई देखो, जब भी चार आएगा पहले अगर sp3 है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा क्या? अब बोलिए उसमें कितने हैं हाइड्रोजन? चार ऐसे लिखते भैया, बोलिए। अच्छा इसमें देखिए अमोनिया भी है क्या? बोर्ड पर देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3। अच्छा मैं एक बात हमको ये समझा दीजिए आप लोग, जो sp3 है क्या एंगल कितना होता है? 109, तो हर साइड से 109 ना होगा, अगर sp3 है कहीं से भी देखिएगा 109 होगा ना भैया, नहीं समझ पा रहे? अगर sp3 है क्या स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा? इस तरह से बनने का मतलब है कि सर दो ऐसे हो गए, एक ऊपर होगा इधर होगा, बोलिए भाई। अब आप लोग बताइए कि कितने अच्छे हैं इसमें, तो बताओ दोस्त जब यहां रखोगे आप तीन ऐसे रखोगे और एक दो लोन पर यहां आ जाएगा क्या? नहीं समझ पा रहा। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो ऐसा बनेगा क्या? अगर sp3 है तो सर वाटर का बताइए हाइब्रिडाइजेशन श्योर है sp3 होगा? क्यों भाई जेपी जी, क्या होगा वाटर का हाइब्रिडाइजेशन? ये कह रहे रुक जाओ हम सॉल्व करके बताएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम आठ, कौन है इसका सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स, कितने हाइड्रोजन है भाई? सिक्स प्लस टू आठ, आठ बाई टू चार, चार बराबर sp। दोस्त अपने मन से बताओ पहले ऐसे बना लिया जाए भाई, पहले बोलिए भाई तो कितने हाइड्रोजन है? दो, यहां पे आज कहीं रख दीजिए। देखिए गुस्सा मत होइएगा, आप ही लोगों ने कहा कि सर टेट्राहेड्रल है तो सब एंगल इक्वल है ना, लेकिन बोर्ड हमारा 2D में है दोस्त। देखिए कह रहे कहां 2D है भाई, बोर्ड तुम्हारा 2 dimensions में है ना, अगर 3D में डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आपके जैसे दो हाइड्रोजन हो गए, एक यहां विलोन पर आएगा एक इधर विलोन पर आएगा, नहीं आएगा भाई? ये कह रहे फिर से बताओ, फिर से देखिए कुछ ऐसे आएगा क्या? ये लोग कह रहे सर ये तो हम कभी सुने थे कि टेट्राहेड्रल होता है, ये कह रहे सर हम तो पिरामिडल जानते थे पिरामिडल होता है, ये भाई सब कह रहे वाटर भी से भी बेंट हो जाता है, इसको छुपा दीजिए, वाटर भी से भी मत गुस्सा जानते थे जरा दीजिए। क्या आप लोग इसमें से H2SO4 का नाम सुने हैं? ये है ना H2SO4, थोड़ा बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भैया? H2SO4 का आप ही पूछे थे ऑक्सीजन का क्या किया जाए, हमने कहा जितना उतना जीरो जोड़ दीजिए, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 8 बाई 2 4 मींस, भैया देखो मुझको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता कैसा बनेगा, हम ये कहना चाहते कि जब भी अगर sp3 आएगा दोस्त पहले ऐसे बनेगा ना। अब होता क्या है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर सीधा बनाते लीनियर, इधर ऐसे खींच देंगे ऐसे खींच दिया जाता है, गुस्सा मत होइए। तो सेंटर में कौन हो गया आपका? सल्फर, कितने ऑक्सीजन है? तो पहले देखिए आपके चार ऑक्सीजन हो गए भैया, और कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन हो गए, आप कहीं भी रख दीजिए। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है?
ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो। ये देखिए इसका दो बॉन्ड बन गया, इसका दो बॉन्ड, लेकिन इनका भाई जब आप लोग इसी लिखते थे आप लोग ऐसे छाप देते थे, गुस्सा मत होइएगा भाई, और आप 90 डिग्री दिखा देते, पर एग्जैक्ट जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, वो बात हम देखेंगे लोन पर कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। कुछ समझ पा रहे भाई? चलिए अब बताइए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? एसपी टू, अगर एसपी टू है तो उसमें कितनी डायरेक्शन आएंगे? फैन का ब्लेड देख रहे हैं आप, फैन नहीं फैन का ब्लेड, ये भाई साहब मैंने चेक कीजिए फिर से बताओ, देखो भाई तीन ऐसे हो गया, अच्छा मैं मिटा दीजिए, इकन ऐसे बना दो, ऐसे बना लीजिए, तीन बन गए भाई। सेंटर में कौन है? कितने ऑक्सीजन है? कितने हाइड्रोजन है? तो इधर रख दिया जाए दोस्त, देखिए तो ऐसे ऊपर उठो, सही बता रहे कुछ थोड़ा बहुत सही है भाई, पूरा नहीं थोड़ा बहुत सही है, ये कह रहे फिर से बता, फिर से देखिए भाई, क्या आप लोग इसका बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन? सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताइए, एसपी टू, लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा भैया, पहले ऐसे बनाना एसपी टू है तो सेंटर में कौन हो गया, कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लीजिए, कहीं एसओ टू लिखा है भाई, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, एसपी क्या होता भाई हाइब्रिडाइजेशन? एसपी नशे में आप गुस्से में है भाई, सल्फर है ऑक्सीजन को काम भी नहीं करना है तो सर क्या आएगा? पहले गुस्सा मत होइए करिए आप लोग, अगर एसपी टू है भैया ऐसे बना सकते क्या? बोलिए भाई एसपी टू है तो ऐसे बना सकते क्या? करें फिर से बताओ, एंगल 120 डिग्री होगा ना, 120 या 120, 120 तो इक्वल है ना पूरा एंगल, तो आप जहां चले वहां से रख सकते कि नहीं? कितने ऑक्सीजन है? वैसे बचपन से ही रखते हुए आ गए, दो इस पे ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो, और दो चार इसमें यूज हो गए, रिएक्ट बॉन्ड पर हो जाएगा क्या? ये कह रहे फिर से बताओ, नहीं समझ पा रहे भाई, गुस्सा मत भाई, जल्दी से मिटा के बताना फिर से, कहिए दो चार स्ट्रक्चर मिटा सकते हैं भैया थोड़ा, वो करें पानी पीने पी लीजिए, तो जो जो हो गया उसको उसको पहले स्टार बना लीजिए तनी। चलिए ये भाई साहब बोल रहे थे सीओ टू, यहां सीओ टू है, अब बोलो भाई CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? झूठ मत बोलिएगा, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन सेंटर में कौन होगा भाई? अच्छा जब भी SP आएगा पहले ऐसे बनेगा ना कि नहीं बनेगा? अब सेंटर में कौन है भाई? कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? करें फिर से बताओ, नहीं समझ पा रहे भाई, भाई आप ही लोग कह रहे हैं यार जब SP आएगा तो 180 डिग्री बनेगा, क्यों भड़क पे आप? अच्छा ये बोलेंगे इसका बता, इसका देख लीजिए भाई क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम क्लोराइड का एसपी आएगा, अरे भाई इसका 2+2 = 4, 4/2 एसपी आ गया, एसपी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? लीनियर बनता है क्या? सेंटर में कौन हो गया आपका? नहीं समझ पा, ये कह रहे क्लोरीन दो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है? अरे भैया 7 इलेक्ट्रॉन देखिए ना रिक्वायरमेंट ऑक्टेट के लिए, एक सैरी कर लिया हो गया ऑक्टेट, करें फिर से बता, तो क्या ये दो एग्जांपल समझ आए भैया आपको? बोलिए भाई, अच्छा कुछ लोग करें 20L3 बताइए, आप लोग पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कुछ जोड़ने नहीं आता है आपको, एक लोग बोल रहे हैं SP3, एक लोग बोल रहे हैं SP2, हम तो ये करेंगे, अच्छा तीन चार के लेवल सोचिए, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन, देखा SP3 बता रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था SP2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान का बताइए, और कितने हैलोजन है? 3+3 6, 6/2
तीन का मतलब क्या हो गया? पहले अगर sp2 है भैया, पहले ऐसे बना लें। अब भाई कितने क्लोरीन है बताइए? सबको चाय दे दीजिए, अपने आराम से पिए, बैठ करके देखिए, बुद्ध के बुरान सबको चाय पिला रहे ना भाई। ये कह रहे दूसरा बताओ, दूसरा देख लो यार, ये हो गए आपके। बोलिए भाई, जेनान से मिलिए। आप लोग जेनान का बस हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, फिर से जोड़िए। लेकिन हम जोड़ नहीं पाते, इसलिए गुस्सा मत होइएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है? हम जोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग जोड़ने के लिए कह रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं आप लोग? आठ प्लस दो दस होता, हम भी जानते हैं। दो से भाग देंगे तो पांच होगा, इसका मतलब कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन। पंखे में होल कर दीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा भाई। जब अगर एन बराबर पांच है तो ट्राइगोनल। लेकिन गुस्सा मत होइएगा, इधर देखिए, ये ट्राइगोनल बन गया और ये पिरामिडल। किसकी लेंथ बड़ी, कौन सी लेंथ बड़ी होती है? एक क्लोरीन यहाँ और यहाँ, कितने लोन पर बच गए? बोलिए भाई, नहीं तीन बन गए। जब आपसे इसका सेप पूछा जाएगा तो सेप के लिए क्या होगा? इसको अंडरग्राउंड कर देंगे। सेप कैसा है भाई, याद रखिएगा? नहीं भी याद आएगा मैं बात बताऊंगा, पहले समझ गए? पहले बात बता दूंगा ये क्या हो रहा है, ये कर अभी बता, अभी देख लो। अच्छा फिजिक्स पढ़े हैं आप लोग? वेक्टर का नाम सुने होंगे, वेक्टर का। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? श्योर रिजल्टेंट इधर आएगा? आई भाई साहब इधर है क्या? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ये कह रहे फिर से बताओ, तो कैंसिल आउट तो मिटा दीजिए, कैसा बन जाएगा भाई? ये भाई सबको आई3 नेगेटिव बताओ, बता रहे कुछ समझ लीजिए भाई, इसे भाई आप लोग हाइब्रिडाइजेशन। अरे कहे गुस्सा होते हैं, सुनिए पहले, इसमें कितने पोलायोडीन है? एक सेंटर में चला जाएगा, दो टर्मिनल हो जाएंगे, तो सेंटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात, नेगेटिव है तो दो, हैलोजन है तो दस बटा दो, फिर वही बात आ जाएगी। यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, आई एक चैनल आता था आई वाला, आई एस एस आर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, उनकी आई बहुत डांटती थी, बहुत झगड़ा करती थी। छोड़िए वो सब बात बताइए, थोड़ा बहुत समझ पा रहे भैया? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लो यार, इसमें बताइए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? अगर टू है तो ऐसे बना दे भैया, यहां बैठा दीजिए यहां पे आराम से, कोई दिक्कत? ये कह रहे फिर से देखो, यहां देखो भाई, इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp ऐसे बनाते भाई, कितने हाइड्रोजन है? निगेटिव यहां रख दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, सांप नहीं है भाई, निगेटिव चार्ज है ना, लोन पेयर है। ए मत बनाइए भाई, कितना बनाएंगे आप, थक जाएंगे बनाते बनाते, तरीका सीखिए पहले, तरीका आ जाएगा तो हजारों सवाल आप बना लेंगे, जितने आपके सीधे पूरे बना लेंगे आप। इसलिए मैंने तरीका चेंज कर दिया पढ़ाने का, आपको सीट को देख करके। यहां देखिए भाई, यहां बताइए आप लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पांच पांच दस, दस बटा दो, पांच पांच मतलब एसपी थ्री, जोड़ ले, कभी कभी ब्रेन स्लो भी काम करता है। आ गया अभी, चलिए अगर पांच आ रहा है ना, sp3d आ रहा है, तो पहले मैट n बराबर 5 आ रहा है ना भाई, अगर n बराबर 5 है क्या स्ट्रक्चर फिर वही बनेगा पंखा बना के? देखिए कितने क्लोरीन है, पहले कहां रखेंगे भाई? नहीं समझ पाए भाई,
वो हमने जब लेविस पढ़ते हैं तब हम उनको अलग तरीके से लिखते हैं, जब लेविस पढ़ते हैं तो जैसे मन करा वैसे ही से पूरा खींच देते हैं साइकिल के तिल्ली की तरह, अशोक चक्र बना देते हैं, पांच है तो पांच डायरेक्शन, छह तो छह डायरेक्शन, गुस्सा मत होइएगा भाई। अच्छा यहां बताओ भाई इसमें क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, बताइए यहां पे एसपी थ्री एन बराबर सिक्स, सिक्स आ गया ना भाई, तो क्या इसके केस में चार ऐसे बनता है क्या? अरे कहां से सब बना रहे सर अपने, ऐसे ही बनता ना भाई अगर सिक्स एन बराबर, तो एक आपने कल देखा था लिखा था आई एफ सेवन, यहां क्या आ रहा था एन बराबर बताइए, इसको बोलते हैं पेंटागन पाई पिरामिड, ऐसे हो जाएगा पेंटागन, ऐसे हो जाएगा बाई पिरामिड, ठीक है। चलिए अब बताओ भाई इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, CO3 माइनस टू में जी जी ए माइनस टू होता है भाई, कौन लिखता है रमीलिगन बना दिया माइनस टू होता है, जोड़ लिया कभी कभी भाई, क्या रहा है एसपी एसपी टू, चार ऑप्शन देगा तो एसपी भी देगा एसपी टू भी देगा एसपी टू, पहले देखिए ऐसे बना लीजिए भाई, बोलिए सेंटर में क्या हो जाएगा आपका, कितने ऑक्सीजन है, कितना नेगेटिव है, नहीं बना सकते ऐसे, यहां बताइए तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन सल्फेट में हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री कितने डायरेक्शन हो जाएगी, चार, कितने ऑक्सीजन है, चार, कितना नेगेटिव है, जो दो बचा वो बीच में सल्फर में रख दीजिए, क्या हो गया भाई तब कहीं गुस्सा। अच्छा यहां थोड़ा बताओ ना एक बार, इसमें ये बड़े लेटेस्ट सवाल है, बहुत ही लेटेस्ट है, मुझको पता नहीं बस आप लोग देखो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है इसमें, अरे पांच तीन आठ, पांच तीन आठ, पांच तीन आठ, सीधे सीधी बात है ऑक्सीजन से कोई मतलब, तो अगर sp3 है भैया देखो यार, तो पहले ऐसे बना लिया जाए क्या, आई थ्री प्लस यहां रख देते हैं, अब बताओ भाई इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, चार यहां रख दिया आपने, बोलिए भाई इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर देखो गुस्सा मत होना भाई, अगर sp3 है क्या लिख रहे हैं भाई, तो सर चार तो होना चाहिए ना ऐसे, और यहां भी चार होना चाहिए, और यहां भी चार होना चाहिए, अगर sp3 है तो नहीं, अब यहां एक ऑक्सीजन कम है ना, कभी आपने देखा होगा आपके घर जब मेहमान आते हैं तीन चार लोग आते हैं, मान लीजिए तीन लोग आ गए, लेकिन जो चेयर का सेट बनता है टेबल पर कितने लोग का बनता है, चार का, आने वाले थे चार लेकिन मैं भी मौके पहुंचे, जब टेबल वाले बैठते हैं एक लोग कम होते तो कोई घर का आदमी बैठ जाता है, मतलब माहौल बनाने के लिए, चार होते तो कोई बात नहीं वो अपना एडजस्ट हो जाते, लेकिन अगर गलती से एक लोग गेस्ट कम पड़ जाते हैं तो घर के एक लोग बैठ जाते हैं, देखा भाई आपने, अब यहाँ डायरेक्शन चार है ना भाई, ऑक्सीजन तो है नहीं, अब इधर देखिए भाई ऑक्सीजन है यहां पर, तो वो जगह पूरा कौन करेगा, नहीं समझ पाए, फिर से बताओ कितने हाइड्रोजन है, अब ये इन तीनों के यहां लगा दीजिए, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, बोलिए भाई कभी एन फैक्टर का नाम सुने हैं, एन फैक्टर देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर, कितने हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, सिर्फ दो में, ये इसमें कितने अटैच होंगे भाई, हाँ सॉरी समझ गया आप लोग,
देखिए यहां तीन अटैच है ऑक्सीजन से, जबकि यहां सिर्फ ऑक्सीजन से और यहां सिर्फ। थोड़ा तरीका टफ है लेकिन अब क्या करें, इससे जी कुछ नहीं मेरे पास, ठीक है इससे थोड़ा टफ है भाई, गुस्सा मत होइएगा। अब ये करेंगे आप तो अपने मन से चार डायरेक्शन बना लेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कहाँ चार होगा है? आपको जब मन करते गेस्ट बुला दे रहे हैं यहाँ पे, ये सोच रहे हमको बैठा दीजिए भाई, होता है ना ऐसे। तो अब जहां रिक्वायरमेंट है वही ना बैठिएगा भाई, जहां देखिए यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ गया तो भाई बैठाना पड़ा। अब ये बोल रहे कि सर आप सीओ थ्री स्पी क्यों नहीं फिर बनाए, इधर देखो भाई गुस्सा मत होया करिए। कुछ लोग कह रहे सर यहाँ फिर क्यों नहीं बनाए, यहाँ क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो है ना, तीन ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। अब भाई उतना है ना ऑक्सीजन भैया, अब जो होगा वो किनारे में ना रखिएगा, ये करे सेंटर में कहां रख देते हैं, यहां पर रख दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन का भी दो बॉन्ड है हमेशा भाई, कहां कितना बॉन्ड बनाता है, इसलिए मजबूरी है दोस्त हमेशा उसको कहां रखते हैं किनारे में लगा रखते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग, ईसा बोल रहे हैं मेरा स्ट्रक्चर बताओ, आप अपना भी देख लीजिए भैया, ठीक है आप देख लो अपना NO2 वाला, बस खाली आप बता दो हाइब्रिडाइजेशन नहीं यार, हमने पढ़ा पांच एक छह बटा दो तीन आता है sp2 होता है, ये आप भी बता रहे हैं sp2 वाला डायरेक्शन कितना होगा, तीन हो गया ना भाई, कितने ऑक्सीजन है, निगेटिव है क्या, मान लिया निगेटिव हो गया और सेंटर पे डबल बॉन्ड बनेगा क्या, और ये जो बचेगा वो लोन पे में कन्वर्ट कर देंगे, बोलिए भाई नहीं समझ पाए, ये कर एनओ थ्री बताइए वो भी देखिए, आप बस यहां बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, तो डायरेक्शन कितनी जाएगी दोस्त, निगेटिव है क्या इसमें, मान गया निगेटिव बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे एक जो बनाएंगे ना भैया याद रखिएगा, इसलिए कि अगर ये पांच बॉन्ड बना देगा तो दस इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा, तो वो पॉसिबल कि ऑक्टेट से अधिक, तो यहां पे फिर से देखिए अच्छा हुआ एक नाम मिल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा, और आप लोग भविष्य में चैप्टर पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेट, वह कंपाउंड जिसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेट, और पहचान सही होता है कि कंपाउंड किसमें होना चाहिए, फिर से देखिए आपको सभी अमोनिया का नाम सुने हैं आप लोग, देखिए ऐसे कौन मिलना चाहता है भाई, एच प्लस एन क्या बन जाता है, NH4 बनता है ना दोस्त, क्या यहाँ पता है पॉजिटिव किस पर होगा, यहाँ तो आपको दिख रहा ना भाई जेपी जी अब्दुल जी, प्लस किस पर है, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों, जो प्लस है भैया वो किस पर है, क्योंकि जब ये बन गया इसके साथ तब प्लस किस पर होगा मुझे नहीं पता, हम देखिए झूठ नहीं बोलते, जब ये प्लस बन गया तो मुझे नहीं पता ये प्लस, आपको अगर पता हो तो आप लोग गेस कर सकते हैं, बट यहाँ मुझे आंख से दिख रहा है कि प्लस किस पर है, कोई दिक्कत भैया आपको, मुझे लेकिन नहीं पता कि प्लस कहा, आप लोग गेस कर सकते, मुझको नहीं पता है। अच्छा मुझे इतना पता है सर ये क्या लिखा भाई, अमोनिया है ना, और ये क्या है, आज ये देखिए सामने प्लस खाली है ना, क्या प्लस है तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हाइड्रोजन पे अगर प्लस है इलेक्ट्रॉन है, बोलिए भाई देखिए सुनिए गुस्सा मत होइए, सिर्फ अगर हाइड्रोजन होता है एक सेकंड के लिए सिर्फ क्या होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का सेलिंग हो जाता है और इसका काम हो जाता ना, लेकिन अगर सॉरी एक सेकंड जब ये होता तो वन इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, और वन इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन का है ना, ये आपस में मिलकर के भैया हाथ जोड़ करके अपना सरकार बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्त प्लस है क्या है, तो क्या इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
अब बॉन्ड तभी बनेगा जब एक विकल्प किसके पास होना चाहिए, तरीका यह है कि या तो नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा देखिए इलेक्ट्रॉन जब होगा ये चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या वो चार्ज किस पर आ गया, क्या ये देखिए ऐसे बन गए, ये इलेक्ट्रॉन दिया कौन, या इसी को लोग ऐसे दिखा देते हैं, लोन पेयर है इसको कितने का रिक्वायरमेंट है, कहां एक का, दो का, दो का, हम नहीं बोल रहे देखिए प्लस है ना भैया, धोखा हो रहा है इसके साथ, अब कितने का रिक्वायरमेंट है, ये भी कर हम दो दे सकते हैं, देखिए सात नहीं, सात नहीं छोड़ेंगे, अब देखिए अपना दो लेकर किसको दे देगा, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ काउंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट करेंगे, और अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, वेक्टर का नाम सुने होंगे, वेक्टर में कभी तीर जिधर जाता है उधर माइनस होता है, जिधर से आता उधर, ये भाई साहब को अरे इसका क्या मतलब है भाई, देने वाला कौन है, नाइट्रोजन, इस पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिल करके चार्ज किस पर आ गया, क्या हो गया भाई, या तो समझ के भाई चार्ज किस पर आ गया, भैया आप किस पर बता रहे थे, हाइड्रोजन पे, मैंने पूछा था, गुस्सा मत होइए, नहीं पूछे थे भाई मम्मी जेपी जी, नहीं पूछे थे, हमने कहा ना कि हमको सब वही थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए क्यों भाई, ये करे सही बता रहे, तो आप खुद ही देखिए सर देने वाला कौन है, इधर देखिए इसको बोलते हैं लेवी स्पेस, इसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उसको बोलते हैं लेवी सेसिल, इसे क्या बोलते हैं भाई, यही जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे नाम बदल जाता है, देखो नाम कैसे बदलेगा भाई, गुस्सा मत होना यार, मान लो मुझे नहीं पता ये निगेटिव है, क्या है ठीक है, आप तो जानकर ले अच्छी बात है, हम उतना नहीं जान पाते, या मान लीजिए भाई ये भी एस पर लोन पेयर है ठीक है, ये हाइड्रोजन है ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है ये कार्बन और ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ये आप तो बाद में अपना नसीब खींचिएगा, अगर ये अपना निगेटिव किसको दे रहा है भाई, तो भैया इसको बेस बोलते हैं, ध्यान सुनो क्या बोलते हैं दोस्त, अगर अपना निगेटिव किसको दे रहा है, लोग इस गांव में न्यूक्लियर फाइल बोलते हैं, अगर अपना निगेटिव किसको दे रहा है, मेटल को, शहर में बच्चे लिगेंड बोलते हैं, ध्यान सभी लोग गुस्सा मत, अगर कोई लोन पर किसको दे रहा है, तो यह क्या बोलेंगे इसको, बेस हो गया, अगर वो अपना किसको दे दिया तब क्या बोलते हैं उसको, अगर अपना लोन पर किसको दे दिया तब उसको क्या बोलते हैं, ठीक है आपको कैसे पता, क्या हो गया भाई आपको, जिंदगी में तीन ही बात आपको मिलेगा कहीं भी, या तो बेस मिल जाए, या फिर न्यूक्लियर फाइल मिल जाए, या कभी फ्यूचर में आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा तो लिगेंड नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा लिगेंड अगर है तो किसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा भाई, मेटल को, तभी क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलेंगे, अब याद रखिए ये अपना लोन पे किसको दे रहा है, तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है दोस्त, वैकेंट, ये अपना लोन पे दे रहा है ना, किस बॉन्ड के थ्रू देगा, ये देखिए ये हो गया मेटल, ये क्या हो गया लिगेंड, लोन पेयर कौन देगा, लोन पेयर कौन दे रहा भाई, किसको दे रहा है, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जिस कंपाउंड में बनेगा उसे क्या बोलेंगे भाई, कोऑर्डिनेट, देने वाला कौन है, ये क्या हो जाएगा फिर लेविस, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मेटल क्या हो जाएगा, लेडीस एसिड नहीं लेविस एसिड, ठीक है लेविस बेस और लेविस, लेकिन हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तभी क्या बोलेगा आप उसको, नहीं समझे भाई, थोड़ा अपने टॉपिक वापस आ जाए फिर, ये कह रहे फिर से बताओ।
अगर कोई भी निगेटिव या कोई भी लोड पेयर अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई? अब अगर यही बात पूछा जाए इस पैरो कोचिंग के स्टूडेंट से तो कह देंगे सर ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये कह देंगे निगेटिव लिगेंड है, ये कर ये क्या होता है? यहां देखिए ये लोड पेयर है ना, तो इसको लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, यहां निगेटिव चार्ज है ना, कौन सा नाम दे देंगे इसको? निगेटिव लिगेंड। चलो भाई आगे, ये कह रहे वहां तो ये सब नहीं पढ़ाए थे आप। अरे एनसीईआरटी नाम की कोई किताब आती है ना, रीडिंग तो करने आता ही होगा आप लोगों को, या जब भी रीडिंग कराने का मौका मिलेगा याद रखिएगा आप लोग लेम स्पेस, और नहीं भी याद होगा भूल सकते हैं कुछ देर के लिए, अरे कुछ देर के लिए भूल जाइए तो मिटा दे इसको। चले भाई अब कुछ समझ में थोड़ा बहुत जो आपने लिखा था इसके पहले उसका क्या मीनिंग निकला? अच्छा एक बार फिर से सुनो यार, ये क्या लिखा है भैया? और हमने अभी लिखा था I3 प्लस, हमें नहीं बता पाया था उसके लिए सॉरी, नहीं बता पाए थे भाई भूल गए थे। और एक आपने लिखा था SO2, एक आपने लिखा था SF6, नहीं लिखा था भैया आप लोगों ने। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए आप लोगों से कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नहीं 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 वो सब नहीं, पहले आप सोचेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन से क्या बन रहा है sp3d। तो sp3d अगर होगा, देखिए गुस्सा तो ये का सर पहले मुझे लगता है कुछ ऐसे बनना चाहिए, यही ना भाई? अब पहले पहले जब भी फ्लोरीन रखेंगे तो कहाँ रखते हैं? एक्सियल पे। अभी भी फ्लोरीन है क्या? आप कहाँ रखेंगे दोस्त? इक्विटोरियल पे। बट यहाँ से लोड पे बच रहा है क्या? ये करें कैसे पता? नहीं बचेगा भैया। अच्छा यहाँ बता सकते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताइए बस। छत दो आठ आठ बदल चार चार का मतलब अगर sp3 बताइए भाई साहब आप क्या ऐसे बना सकते हैं? अब चल जैसे भी रखिएगा, देखिए अगर sp3 है मान लीजिए तो दो एडिन यहां पे आ जाएंगे, प्लस होगा तो सेंटर पे आ जाएगा। बोलिए भाई, और ये दो लोन पे आ जाएंगे क्या? इकर फिर से बताओ, फिर से देखिए यहां पर बता सकते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या ऐसे बनेगा क्या? कितने ऑक्सीजन है? यही करना चाहते हैं आप लोग? जोड़ लीजिए भाई, जोड़ के बताइए करें, जोड़ ले लीजिए, यही ना बनेगा भाई? तो यहां बताइए तो यहां पे मतलब क्या कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई? ऐसे बनेगा क्या? ऐसा ही बनेगा भाई, बताइए यार ऐसा ही बनेगा? अब देखिए हम जो पूछना ये चाहते थे, मान लीजिए आपको, अच्छा हाँ जो बताना था याद आ गया, ये ए है और ये क्या भाई? आपसे पूछ रहे इसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा? सिग्मा बराबर, अब पाई कितना होगा? सही नहीं है, आप बताओ जी इसमें सिग्मा कितना होगा? पाई कितना होगा? आप बताइए भाई यहां सिग्मा कितना होगा? पाई प्योर मैं भी सही है, तो सही है मैं भी क्या तो सही बताया आप लोगों ने, ठीक है गलती यहां होनी चाहिए थी लेकिन यहां इन्होंने सही बता दिया। अब ये बस हमसे मत पूछेगा कौन सिग्मा है कौन, पता है
क्योंकि ये तीन में से कोई सिग्मा कोई पाई हो सकता है। अगर जानना है तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहां देखिए हम लोग ये सीखना चाहते हैं यार, इधर देखो भाई, गुस्सा मत होना यार, चाहे बॉन्ड कैसा हो, सिंगल या फिर से देखिए यहां सिंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल। अगर बॉन्ड कैसा हो किसी भी दो एटम के बीच में, या फिर ध्यान से देखो यहां सिग्मा कितने मिल रहे हैं, यहां बताइए और ये बताइए, यानी बॉन्ड चाहे कैसा भी हो, बॉन्ड कैसा भी हो सिग्मा कितना मिलेगा, चाहे सिंगल हो डबल हो या फिर, गुस्सा मत होना भाई, चाहे सिंगल हो डबल हो चाहे बॉन्ड कितने मिलेंगे सिग्मा। अच्छा इसी को देखिए डायरेक्शन के थ्रू डिवाइड कर दें, किसके थ्रू भाई, जैसे यहां देखिए इसमें सिग्मा कितना मिलेगा, एक, और यहां बताइए, एक, और यहां बताइए, डायरेक्शन कितनी हो गई, तीन डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे यहां पे, sp2, चलिए छोड़ दो, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, इसमें कितना सिग्मा है, चार पांच, सिग्मा कितना इसमें, सिग्मा पहले लोन पे चार और एक, अगर पांच है एन बराबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कितने सिग्मा भाई, लोन पे, तो क्या हम 2+2 जब लिखेंगे तो 4 आएगा क्या, और यहां लिखेंगे तो 4+1 लिखेंगे 5 क्या, अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां बताओ भाई कितने सिग्मा यहां पे, तो प्लस लोन पेयर, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3, कितने सिग्मा है दोस्त, लोन पेयर 2 और 1 sp, यहां कुछ समझ में भाई आपको, ये कह रहे हमारा सवाल बताओ, गुस्सा मत हो भाई, ये क्या लिखा है, तो सेंटर में कौन होगा, कार्बन, कितने ऑक्सीजन है, ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, अब बताओ इसमें कितना सिग्मा मिलेगा, और यहां बताइए भाई यहां कितने सिग्मा मिलेंगे, और यहां बताइए टोटल, भाई जिसका पूछेंगे उसी के अराउंड ऐसे सोचेंगे, तो अगर सिग्मा 2 है तो क्या होगा, यही आपका सवाल था, अभी नहीं आया समझ, थोड़ा नोट करिए भाई, आइसोमर का नाम नहीं सुनेगा भैया आप लोग, आइसोमर तो DU भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, DU वो जो स्प्राइट का भाई है, हाँ वो स्प्राइट वाला नहीं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, हम DU बोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं स्प्राइट का बड़ा भाई, देखिए अभी वही सोच रहे हैं। अब जिसे मान लो दोस्त हम लोग तुमको दे दिया यार C2H6C2H4C2H2, क्या आप लोग देखो पहले वाले फार्मूले से इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं आप लोग, अब सेंट्रल एटम कितने हो गए, वो भाई साहब काम करेंगे नहीं। अब छुट्टी हो गई ना उनकी, नहीं देखे वो घड़ी का प्रचार देता है, पहले इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल करके देख लो, लगा लीजिए भाई अपना जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे, देखो बता रहे sp3 कैसे भैया कैसे लगा रहे हैं, बताइए कौन सेंट्रल एटम माने, दो कार्बन मानेंगे कितना मानिएगा, हमारे चार पांच कार्बन तो देंगे तब किसको मानिएगा, मान लीजिए दो है तो आप खुश हो रहे हैं, चार पांच देने के कारण C5H10 C4H10 तब क्या कीजिएगा, हचपच हो जाएगा ना भाई, ये कह रहे फिर से बताओ, आप हमें बस ये बताओ इसका DU कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इसमें, यहां DU बताइए जीरो, इसका मतलब भी आपको आता ही नहीं है कैलकुलेट करना, यहां बताइए फिर, वो कह रहे सब जगह वन होता है, अच्छा बताओ जीरो का क्या मतलब भाई, कार्बन कार्बन की जो कैसा बॉन्ड होगा,
यही मतलब है सिर्फ हाइड्रोजन का तो फिक्स है ना भाई, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा? यहाँ बताइए, ये करिए फिर से बताओ, बेंजीन का डीयू लिख दे भाई, गुस्सा मत होइए। इसका डीयू कितना होगा भाई? C6H6 का जोड़ने दिया था आप लोगों को, देखो कोई कह रहा तीन, कोई कह रहा चार, फोर हो सकता है क्या? सिक्स प्लस वन एच बाई टू, सिक्स बाई टू थ्री, फोर माइनस थ्री, फोर प्लस सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन माइनस थ्री फोर। अब्दुल जी कह रहे फिर से देखिए भाई, सी प्लस वन माइनस एच डिवाइड बाई टू, मैंने ऐसे लिखा था, सी प्लस वन सेवन हो गया और माइनस सिक्स, सॉरी ये एच बाई टू था, देखिए मैंने ऐसे लिखा था, सी प्लस वन माइनस एच डिवाइड बाई कितना हाइड्रोजन है। अब ये करें भाई साहब, आपको ऐसे दिखे सी प्लस वन माइनस ब्रैकेट में एच प्लस एक्स माइनस एन प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, ऐसे लिखे तो यहां पे नाइट्रोजन नहीं ना, हाइड्रोजन कुछ है नहीं। डीयू कितना आ गया आपका? फोर। क्या ऐसे बना सकते हैं? कितने कार्बन है इसमें? कितने भाई उधर आपको दिख रहा है भाई? चलिए सबसे पहले कार्बन में कैसा बॉन्ड बना लिया भाई? सिंगल बॉन्ड सबसे पहले ये बना लिया जाता है। अब बताइए कि कितने कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? अगर दो कार्बन पे सिक्स हाइड्रोजन तो एक कार्बन पे, लेकिन इससे भी अच्छा ये, इससे अच्छा ये है, यहां देख के बताइए यहां कितने हाइड्रोजन रहेंगे भाई? क्या बताइए, क्या बताओ भाई, क्या बताइए, क्या बताइए? दो बता रही हूँ भाई वो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो सिक्स है ना। चलिए बना वही सोचने जा रहे हैं, अभी तीन बॉन्ड बन गए, अभी ये कितना बनाएगा? तो देखिए जब यहां डबल बनेगा तो इसका चार हो गया, इनका चार हुआ क्या? अगर इधर बॉन्ड बनाएंगे तो इसका पांच हो जाएगा भाई, अगर इधर डबल बॉन्ड बना देंगे तो इसका तो चार होगा और इसका, इसलिए अब ध्यान सुनो भाई, इसमें कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड चार है। आप लोग वो भी ना बोला कि डायरेक्शन बोला करिए, देखिए कितने डायरेक्शन है इसमें, अगर चार डायरेक्शन है तो हाइब्रिडाइजेशन, यहां कितने डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बोलिए, यहां डायरेक्शन बताइए भैया, कहें कैसे, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा कितना मिलेगा? एक ही सिग्मा मिलेगा ना भाई, एक सिग्मा यहां मिलेगा आपको, चाहे कैसा भी बॉन्ड हो सिग्मा, यहां कैसा भी सिंगल कुछ भी हो सिग्मा, तीन सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी। ये वैसा बात कर, दूसरा बताओ, दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए आपने को दे दिया C4H10O, आप लोग डीयू बताओ क्या आएगा? डीयू ऑक्सीजन काउंट करते हैं डीयू में? बोलिए ऑक्सीजन काउंट करते हैं डीयू में? नहीं करते, बचा क्या? C4H8, उसका मतलब डीयू नहीं बता सकते। देखिए कह रहे नहीं, जीरो आ रहा है, यानी कैसा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में? C4H8 है कि 10 है? एक और चश्मा दीजिए भाई। हाँ तो डीयू क्या आएगा? कितना रहा डीयू? सिंपल सुनिए ना, एच बाई टू कर दीजिए कितना आएगा? पांच। सी प्लस वन कर दीजिए, अब सी प्लस वन में से एच बाई टू घटा दीजिए, और डीयू जीरो का क्या मीनिंग बताया गया था आप लोगों को? जितने बॉन्ड होंगे सब क्या हो जाएंगे आपके? कितने कार्बन है?
जहां चाहो वहां लगा लो ऑक्सीजन। अभी मन बोलिएगा सर ये क्यों लिख रहे हैं आप अपने मन से, कितनी डायरेक्शन है बोलिए, क्या बताइए ये कर फिर से बता, फिर से देख लेते भाई C4H8। अब इसमें DU क्या आएगा आपका, क्या मतलब DU1 का, पहले चार कार्बन बन गया भाई, डबल बॉन्ड आप कहां बनाना चाहते हैं बना दीजिए कहीं भी, हमको नहीं पता। यहां बोलिए कितना हाइड्रोजन आएंगे, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, डायरेक्शन कितनी है, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए। तो इन सब केस में पहला वाला काम किससे लगाएंगे, नहीं समझे भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस, सिग्मा बॉन्ड प्लस, देख लीजिए भाई नहीं समझ पाए, छापिए इसको जल्दी से। तो देखो भाई यहां जाकर लिखा कि सिग्मा बॉन्ड पर सॉरी एन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस, बोलिए भाई। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डेली लॉलीपॉप चाहिए, अब बड़े लोगों को क्या चाहिए भाई, वो अलग बात आप नहीं लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को चाहिए भाई डेली, बोलिए भाई। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, डेली लॉलीपॉप और लॉलीपॉप, जैसे एग्जाम्पल किसी का ले लीजिए, आप ही का ले लेते हैं ठीक है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा ठीक है, हम ये समझाने के एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है। क्या नाम है आपका, जयपी जी, अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि आप इनके दोस्त हैं, ये है ना भाई आपका घर मीरत वाले, आजाद नाम है, क्लाइस पूरा क्लास का माहौल ही अलग है, अब्दुल एपीजे चंद्रशेखर आजाद जी इधर जेपी जी हैं, पूरा सीमेंट की फैक्ट्री खड़ी हुए हैं। तो बस फील कीजिएगा भाई कि जेपी जी कहाँ जाना है आपको मिलने के लिए, आजाद जी कहाँ जाना भाई आपको, जेपी जी के पास। तो लेकिन आपको इनके इतना पता है कि ये कोचिंग भी रहते हैं, ट्रेन में भी सफर करते हैं डेली, घर भी रहते हैं, और शायद इनके जो फादर हैं वो अभी मतलब ड्यूटी पे जाते हैं, रिटायर हो गए फादर इनके फोर्स से, है ना भैया फोर्स से रिटायर हुए हैं, लेकिन ये अभी फोर्स से रिटायर ये कोचिंग से रिटायर नहीं हुए अभी, कोचिंग में अपना। आप जब जाइएगा तो ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी किसकी है, घर जाइएगा इनके तो पापा, तो पापा भाई साहब जो हो गए वो लोकलाइज हो गए, एल का मतलब हो गया लोकलाइज, एल का मतलब दोस्त, और यहां देखिए जो डी लिखा डी, इनसे अगर कहा डी लोकलाइज है, कभी घर भी रहेंगे, कभी देखेंगे तो ट्रेन में सफर करेंगे, कभी देखेंगे तो स्पाइरल कोचिंग मिलेंगे, ये भाई साहब कैसे हैं डीलोकलाइज, लेकिन अगर पापा की बात किया जाए तो यहां क्या लिखा है सिग्मा बॉन्ड प्लस, क्या लिखा है आपको लोन पेयर कौन सा चाहिए भाई, लोन पेयर कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, डी लोकलाइज। नहीं समझ पाते तो गुस्सा मत होइए, ये सोचे थे लॉलीपॉप बांटे थे भाई गुस्सा मत होइए यार, जैसे आपने वो देखा होगा गांव में खेती वगैरह होती है, आपके यहाँ भी खेती होती होगी, आप लोगों के गांव में तो होता ही होगा, खेत वगैरह देखे भाई कभी, तो खेत में कभी मान लीजिए किसी का मन करता है तो इस तरह से बना के टांग दिया जाता है, बस ये चेंज है जो भी मुझको पता नहीं, मान ली आप ही का खेत है गुस्सा मत होइएगा, इनके खेत में एक बनाया गया यहाँ पे थोड़ा डेंट पेंट कर दिया गया ठीक है, अमित शाह जी की तरह ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सर बना दिया गया, सर पे हवेली गायब है ठीक है, ऐसे उन्होंने खेत में लगा दिया है, डेंट पेंट कर दिया उसमें ठीक है, जो भी करना था वो खेत आपका है। इनके जी में काम क्या है, खेत पर भी जाना है किसान है तो, डॉक्टर बनना है तो स्कूल भी आना, कहीं शादी विवाह में भाई सामाजिक है तो उसमें भी आना जाना, घर के सामान वगैरह घटे तो मार्केट भी जाना है। अब आपसे मिलने के लिए जेपी जी जाना चाहते हैं, तो जब आपके यहाँ जाएंगे मान लीजिए भाई साहब ठीक है, तो
आपसे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा या जो घर आपने खेत में बनाया स्टैच्यू उससे मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी? क्योंकि भाई साहब वो क्या है और आप क्या है? घूमने फिरने वाले ना। तो हमें जो यहाँ पे लेना सर जी लोन पे है वो कौन सा लेना है दोस्त? कौन सा नहीं लेना है? ये भाई साहब करें ये क्या होता है, गुस्सा मत हो जी। CH3 CH2 NH2 ये लोन पे है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 यहां भी लोन पे है क्या? क्यों भाई एक बार फिर से बताओ, ये लोन पेयर में और इस लोन पेयर में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस कोई बताएगा भाई? ये क्या है आपका और ये क्या है आपका? तो यहां मिलने की पॉसिबिलिटी है, मिलने की पॉसिबिलिटी है भाई। ये जब हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें कौन सा काउंट करेंगे भाई? अब देखिए यहां जब आप बोलिएगा यहां कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे? दो हाइड्रोजन और एक तो वैसे ही दिख रहा है, लोन पेयर भी है, डिलोकलाइज्ड है, दो प्लस सॉरी तीन प्लस एक, यहां क्या हो जाएगा? यहां काउंट कीजिएगा तो SP करे, फिर से बता, फिर से देख लीजिए, अब बोलिए भैया यहां पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका? यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका और यहां क्या आएगा आपका? क्यों SP3 है? ये लोकलाइज्ड है। क्यों SP2 है? डीलोकलाइज्ड है। नहीं समझ पा रहे। अगला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखिए यहां पे, यहां डबल बॉन्ड भी है, थोड़ा मोड़ा गलत होगा तो फोकस इस पर करिए, उधर मत करिए। यहां देखिए डबल बॉन्ड भी है और देखिए डबल बॉन्ड भी है और साथ ही क्या रेजोनेंस भी है और गैप में जाना भी है, कौन जाएगा डबल बॉन्ड या फिर लोन पे? बोलिए भाई तो, अब सुनिए ध्यान से, गुस्सा मत होइएगा। अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या ये लोकलाइज है क्या? ये क्या हो गया आपको, गुस्सा मत होइएगा, ये लोकलाइज्ड है क्या? अगर ये लोकलाइज्ड है तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते क्या? नहीं समझ पा रहे। ये लोग कह रहे फिर से अपना, फिर से देखिए भाई जी, किसी ने सही कहा, देखिए यहां भी लोन पेयर है भैया, ध्यान से गुस्सा मत होइए, यहां भी देखिए लोन पेयर। अब अगर पूछा जाए बेसिसिटी, क्या पूछे दोस्त? बेसिसिटी, पहले बेसिसिटी होता क्या? एकदम सही, अवेलेबिलिटी ऑफ कौन सा लोन पेयर मिलेगा आपको? मान के नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, कौन सा लोन पेयर मिलेगा आपको? बोले भाई कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन नहीं होगा बेसिक? क्यों ये बेसिक नहीं है? डीलोकलाइज्ड हो रहा रिजनेंस में बीजी है, ये घूम फिर रहा है, मार्केट भी जाना भाई आपको, शादी विवाह भी है, वहां भी आना जाना है, अलग बात आपका नहीं है, है कि नहीं भाई? नहीं आना जाना भाई, लेकिन यहां देखिए इसको जाना है, ये लोकलाइज ना हुआ इसे आप काउंट करेंगे? बोलिए भाई इसलिए डेली लॉलीपॉप नहीं चाहिए, डेली लॉलीपॉप नहीं, समझ गए भैया? अब हम बोले लॉलीपॉप तो ये कुछ और समझने लगे,